दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में किस प्रकार से आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, तो इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको सर्च कर रहे हैं apost.in, उसके बाद दोस्तों फर्स्ट पर ही है एपी पोस्ट कर, उसी पर दोस्तों हमें क्लिक कर रहे हैं ताकि पेज जो है आगे खुल सके। इसी प्रकार दोस्तों जैसे पेज आगे खुल गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें आ रहा है स्टेप्स टू अप्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया है रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट। दोस्तों आपको यहाँ से यानी कि रजिस्ट्रेशन से फीस, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन, ये सब के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो जो है बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों। और यह वैकेंसी जो है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना के लिए आए हुए दोस्तों, और इसका रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग और लास्ट डेट है, स्टार्टिंग जो है 15 अक्टूबर और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 14 नवंबर। तो दोस्तों आपको 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन सबमिशन जो है 22 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 21 नवंबर तक चलेगा। दोस्तों इस वीडियो में अब अभी आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेज करके बता रहा हूँ दोस्तों। तो हमें रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंडियन पोस्ट रजिस्ट्रेशन पर आ गए हैं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके। तो एक बात दोस्त, यहाँ पर जो है आप, यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है दोस्त, अगर आप पहले भी और अप्लाई कर चुके हैं और फिर अप्लाई करना चाहते हैं पहले दोस्तों, तो अपना फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करके, अगर दोस्तों एक ही आईडी से डालना चाहते हैं और आपका आईडी याद नहीं है, तो यहाँ से आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी करके कर सकते हैं दोस्तों। और आपके नंबर पर अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो इस पर जो है अपना मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए क्लिक कर। इसी प्रकार दोस्तों अब आते हैं अप्लाइंग के लिए, तो ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट दोस्तों, जिसमें पहले एप्लीकेशन नेम, तो इसमें जो है आपका 10वीं मार्कशीट के हिसाब से दोस्तों आपका नाम रहेगा, जिसमें एप्लीकेशन नेम आपको 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों 10वीं का मार्कशीट के हिसाब से ही आपका जो है पिताजी का नाम रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों एक मुख्य मोबाइल नंबर, आपका दोस्तों मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, जिसमें आपका ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपका ओटीपी आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको ओटीपी नहीं आता है, पहले भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। उसी प्रकार दोस्तों आप मोबाइल नंबर चेंज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, जो 10वीं का मार्कशीट में उसी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जेंडर मेल फीमेल इसको जो है आपको फिल कर रहे हैं। फिर दोस्तों आपका आता है कम्युनिटी, आप जो है किस कैटेगरी से अपना फॉर्म जो है फिल करना चाहते हैं, तो इस पर है दोस्तों अनरिजर्व ओबीसी ST SC। तो दोस्तों इस इन इनके लिए एक बात है दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, और अगर आप ओबीसी ST SC से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों वेदर बिलोंग टू EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर कमज़ोर हैं तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। उसी प्रकार अगर यस पर करते हैं इस पर, तो जो है हमें जो है कुछ फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाता है। और दोस्तों आर यू पर्सनल डिजेबिलिटी, क्या आप जो है विकलांग है दोस्तों, यस या नो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आप जो है PWD कैटेगरी से हैं, तो इसको भी आपको जो है भी अगर है तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप जो है सर्कल इन विच 10 क्लास, जो है आप कौन से सर्कल से जो है 10वीं क्लास पास किए हैं, जैसे तीन जो है कोई भी राज्य से हो, भारत का आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है आप किस बोर्ड से अपना जो है 10वीं क्लास पास किए हैं इसको जो है फिल करना, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोई भी हो। फिर उसके बाद दोस्तों आपको जो है बोर्ड इन विच 10 क्लास पास्ड, तो आप कौन से बोर्ड से 10वीं क्लास पास किए हो। दोस्तों यहाँ पर जो है हम जो है कुछ भी एक हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब इसमें हमारा जो है हमने छत्तीसगढ़ से पास किया है दोस्तों, तो हमें जो है छत्तीसगढ़ से है, तो यहाँ पर हमें अगर आप 2002 और 2000 के बीच में अगर पास किए हो दसवीं, तो आप इसी को जो है टिक लगाना है। अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड में से आप जो है 2003 और उससे आगे पास किए हो दसवीं, तो इस पर जो है आपको टिक लगाना है ऑनवर्ड। इसी प्रकार दोस्तों उस ऑनवर्ड को क्लिक लगाना है, ताकि हमें उसके बाद दोस्तों आप जो है कौन सी ईयर में अपना 10वीं क्लास पास किए हो, तो अगर 3 किए हो, 3, 4, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना सन जो है फिल करना है, 2019 तक के दिया है दोस्तों इसमें। फिर दोस्तों आपको जो है अपना फ़ोटो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जो JPG में रहेगा, 50 KB से नीचे रहेगा उसको दोस्त। अगर आपका फ़ोटो साइज रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो
तो आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अब आते हैं जो है सिग्नेचर, सिग्नेचर जो है आपका 20 KB से नीचे रहेगा, 20 KB रहेगा दोस्तों, उसका भी फाइल, उसका भी जो है फाइल को जो है साइज अगर अधिक होता है तो रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों कैप्चा कोड को फिल करना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों फिल करने के बाद यहाँ पर एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको टिक लगा देना है जिसमें आई हैव स्टडी, आप इन सबको जो है पढ़ चुके हैं अच्छे से, नोटिफिकेशन को आप इसके लिए जो है फॉर्म यानी कि योग्यता रखते हैं। अगर आपका डुप्लीकेट जो है पाया जाता है, फॉर्म डुप्लीकेट माई एंट्री, तो उसको जो है कैंसिल कर दिया जाए। इसी प्रकार दोस्तों इस पर जो है, उसके बाद दोस्तों आपको अपना फॉर्म को एक बार फिर से चेक कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। फिर उसके बाद दोस्तों चेक करने के बाद इस पर भी टिक लगाना है, आई हैव चेक्ड, क्लिक्ड प्रीव्यू बटन, अपने फॉर्म को चेक कर लिया है। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करोगे तो सबमिट पर क्लिक होने के बाद दोस्तों कई कई बार जो है फॉर्म को नहीं लेता है, तो आप दोस्तों कुछ टाइम बाद फिर से इस चीज़ को अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों आपको जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और किस प्रकार से दिखेगा। इस दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका फॉर्म जो है इस प्रकार से खुल जाएगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर मिल जाएगा दोस्तों, और आप जो है GDS इंगेजमेंट फॉर्म के लिए अप्लाई, और आपका इस प्रकार से दोस्तों फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन को जो है रख लेना है, उसके बाद दोस्तों प्रिंट कर लेना है या आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर आपको फीस पेमेंट पर जाना है, वहां पर आपको इसको जो है फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपना सारा डिटेल दोस्तों इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मिलने के बाद दोस्तों इसको जो है हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अपने फीस पेमेंट के पेज पर हमें पहुंच जाना है दोस्तों। और एक बात, एक मोबाइल नंबर से एक ही आईडी बन सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें स्टेज 2 पर आना है, जहाँ पर हमें जो है फीस पेमेंट के लिए आना है। जैसे दोस्तों फीस पेमेंट पर हमें जो है क्लिक करना है, फीस पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पेज जो है आगे खुलेगा। पेज आगे खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों हमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है फिल करना है, जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको यहाँ पर जो है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों अपना नाम, अपना कम्युनिटी, अपना अमाउंट दोस्तों, तो अमाउंट दोस्तों नेट बैंकिंग आपको 100 रुपये अलग से लगेगा दोस्तों, यानी कि अपना फॉर्म डालने का। और दोस्तों जो है 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जिसमें जो है क्रेडिट कार्ड 1% और डेबिट कार्ड के लिए आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा। फिर दोस्तों हमें जो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर ST SC और PWD अगर फीमेल हो तो आपको जो है कोई फीस पेमेंट देना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों हमें जो है पेज में जो है आगे बढ़ना है पेमेंट पेमेंट पर क्लिक करके। तो दोस्तों 100 रुपये का आप कहाँ से आप अपना पेमेंट करोगे उसको जो है यहाँ पर भरना है, कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, या डेबिट प्लस जो है ATM पिन, या दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग या वॉलेट कैश से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो है डेबिट कार्ड है, तो मैं डेबिट कार्ड से यहाँ पर जो है मैं फिल कर देता हूँ दोस्तों। जैसे ही डेबिट कार्ड पर आएगा तो यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट और CVV नंबर या CVC या और कार्ड होल्डर नेम लिखकर हमें सबमिट कर देना है दोस्तों। मैं इस सब को फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। 100 रुपये रहेगा, ऑटोमेटिकली लेगा दोस्तों। उसके बाद हमें जो है अपना कार्ड में जो पीछे नंबर दिया रहेगा 3 अंक, उसको जो है CVV कोड बोलते हैं, उसी को यहाँ पर हमें जो है फिल कर देना। फिर उसके बाद दोस्तों कार्ड होल्डर का नाम, उसके बाद दोस्तों मेक पेमेंट पर क्लिक करके जो है पेज आगे जो है खुलेगा। उसके बाद दोस्तों एक OTP आएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर जो है बैक बटन को नहीं दबाना है। उसके बाद दोस्तों एक कोड आएगा जो है अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको जो है यहाँ पर जो है फिल करना है OTP। फिर उसके बाद दोस्तों मैं एक पेमेंट पर क्लिक करके आगे जो है पेज खुलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है फॉर्म जो है कम्प्लीट फिल हो गया है दोस्तों। इस प्रकार से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल गया है। आप इसको जो है प्रिंट कर सकते हैं, और दोस्तों प्रिंट करने के बाद इसको जो है अपना रखना है, या जो है आप इसे अगर प्रिंटर नहीं है तो इसे आप PDF के तौर पर सेव कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। इस वीडियो में आपको किस प्रकार से आप अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने पोस्ट के लिए, तो इसके बारे में है दोस्तों यह। और यह जो है इस वीडियो जो है बिल्कुल देखते हैं लास्ट तक आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जो है स्टेप 3 है, इस पर हमें जो है क्लिक करना है दोस्तों। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो पेज जो है दोस्तों आगे जो है खुलेगा। पेज आगे खुल गया है, इसमें दोस्तों आपको जो है रजिस्ट्रेशन और डिटेल जो है पहले ही जो है फिल हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वेरिफिकेशन डिटेल
और आपका सर्कल अप्लाई, इस पर जो है हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आप हमें जो है फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें जो है अपना सर्कल अप्लाई करना है। सबसे पहले दोस्तों हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर हम लोग जो है फिल कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों हम लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद हमें जो है अपनी सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं। सर्कल जो है आप कौन से सर्कल से हैं दोस्तों, उसको जो है यहाँ पर आप तीन सर्कल के लिए वैकेंसी आए हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो आप इसमें से जो भी सर्कल में आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी राज्य से हो, तो उसको जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ से जो है अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें सबमिट पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही हमारा पेज जो है अगला खुल गया, उसमें हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पर OTP जो है सेंड कर दिया गया। उस OTP नंबर को दोस्तों हमें यहाँ पर अगला यहाँ पर जो है अपना जो है फॉर्म जो है सबमिट के नीचे पर दोस्तों, सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके नीचे पर दोस्तों OTP डालने के लिए यहाँ पर हमें जो है दिया जा रहा है। इस पर दोस्तों हमें वह OTP को जो है हमें फिल करके दोस्तों नेक्स्ट पर करते हैं। हमें जो है OTP यहाँ पर हम लोग फिल कर दिए हैं, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पेज जो है आगे खुलेगा। आज दोस्तों जो है पेज जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल गए हैं OTP डालने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी, इस सब को जो है दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमें जो है अपना आधार नंबर फिल करना है। अगर नहीं भरना चाहते हो तो आप नहीं भी भर सकते हो। क्या दोस्तों आप, क्या आप जो है बाइसाइकिल चला सकते हैं? साइकिल के जो दोस्तों इसका योग्यता रखा गया है कि आप साइकिल चला सकते हैं। तो दोस्तों यह योग्यता है, आपको इस पर नहीं पर ना क्लिक कर नो पर नहीं रखना है, केवल यस पर रखना है। अगर आप गाड़ी कुछ भी आपको चलाना आता है तो आपको यस पर जो है क्लिक कर देना है। कम से कम दोस्तों यह योग्यता है, अगर इस पर नहीं बार अगर लगाओगे तो आप इसके लिए योग्यता नहीं रखते हो, इसलिए दोस्तों आप साइकिल चला सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको यस लगा देना। इसी प्रकार दोस्तों आपको जो है अपना जो है कैटेगरी, हस्बैंड या फादर्स नेम, जेंडर, फिर आपको दोस्तों एक ईमेल आईडी चाहिए जो आपके चल रहा हो, जिसका आपको पासवर्ड भी पता हो, उसको जो है आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों यहाँ पर कि आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एम्प्लॉयड लिखना है। अगर आप कोई भी जॉब पर नहीं हो तो यहाँ पर जो है नॉन एम्प्लॉयड लिखना है। क्या दोस्तों वेदर एम्प्लॉय NOC इज अवेलेबल? तो यह दोस्तों अगर आपके पास NOC है तो यहाँ पर जो है यस पर, अगर नहीं है तो ना पर। तो इसी प्रकार दोस्तों अब अगले पर देखते हैं। आपको जो है एड्रेस, आपको जो है एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोस्तों आपको जो है एड्रेस को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो है सेम पर क्लिक कर देना है। अगर जैसे ही आप सेम पर क्लिक करोगे दोस्तों वही जो है आपका जो है लिख करके आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको जो है मार्क पर, तो आप जो पहले जब रजिस्ट्रेशन करने टाइम आप जो सर्कल डाले थे 10वीं पास, वो उसी को यहाँ पर लेगा दोस्तों। उसके बाद जो है अपना बोर्ड को सेलेक्ट करना है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2003 ऑनवर्ड। क्योंकि दोस्तों अब जो है 2003 के बाद जो पास किए हैं 10वीं, तो उसके लिए दोस्तों ऑनवर्ड जो है उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपका रिजल्ट टाइप, तो आपका रिजल्ट किस प्रकार से है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ से हो तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है मार्क करके आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपने जो है 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर दिया है, जो आपको जो है जस्ट फोटो के ऊपर में दिया रहता है वही जो है सर्टिफिकेट नंबर है। इसी प्रकार दोस्तों वेदर पास इन जो है कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट रेल, तो क्या दोस्तों आप जो है सप्ली से पास किए हैं, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर यस और नो पर, अगर सप्ली से पास किए हैं तो यहाँ पर जो है यस कर रहे हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर टिक लगा देना है। इसी प्रकार दोस्तों अब आते हैं सब्जेक्ट पर। दोस्तों आपको जो है अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, जिसमें तो जो है साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, जिसमें आपको जो है तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसी को जो है आपको जो अपना लैंग्वेज के हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अपना जो है मार्क जो है पॉइंट करना है, यहाँ पर जो 100 नंबर का उसमें आपको कितना कितना सब्जेक्ट मिला है तो उसको जो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर टोटल मार्क आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है उससे आप जो है 600 में से, यानी कि आप छत्तीसगढ़ से हो तो 600 में से आपको कितना मार्क मिला है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ पर जो है अपना फॉर्म जो है प्रीव्यू एक बार जो है चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो है एक टिक लगाना है, यहाँ पर आई है क्लिक द प्रीव्यू बटन एंड सेटिस्फाई माई सेल्फ अबाउट एंट्री मेड बाई मी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अपना फॉर्म जो है एक बार फिर से जो है चेक कर लेना है, ताकि कहीं पर कुछ गलती ना हो। तो दोस्तों उसको जो है आप यहाँ पर जो है आपको जो है फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों हमें जो है पेज को जो है आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू, इस पर जो है हमें क्लिक करके जो है पेज को हमें क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको एक बात
और पूछ रहा है फ्यूचर मॉडिफिकेशन आर नॉट अलाउड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। दोस्तों फ्यूचर में आपको इस फॉर्म को जो है चेंज करने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए दोस्तों आप अच्छे से चेक कर ले। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ओके पर दबाएँ तो हमारा फॉर्म जो है ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ओके पर फिल कर देते हैं। इंडियन पोस्ट DDS ऑनलाइन .in से दोस्तों जो है डाटा सेफ सक्सेसफुल हो गए हैं, जो है तीसरा स्टेज पर पहुंच गए जिसमें अपलोड डॉक्यूमेंट पर आ गए हैं। दोस्तों अब इस पर आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें आप जो है अपना जो है 10वीं क्लास का मार्कशीट मेमो कैम सर्टिफिकेट जो दोस्तों 200 साइज का रहेगा। दोस्तों आपको जो है अपलोड जो है 10वीं क्लास का मार्कशीट जो है 200 KB का रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों सप्लीमेंट्री मार्क मेमो 1, दोस्तों अगर आप सप्ली से पास किए हैं तो आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो सप्लीमेंट्री मेमो 2, अगर आप सप्लीमेंट्री हैं तो इसको जो है आपको फिल करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे मुख्य पाठ पर, जो है हमारा अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एट लीस्ट आप से जो है 60 days फ्रॉम रिकोगनाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों कम से कम आपको जो है 60 दिन का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, अगर किया 60 दिन का जो है आपको आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों अगले पेज पर जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, उस पर जो है सभी पर टिक लगा देना है। यहाँ पर जो है अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोस्तों मेरा जो है जनरल कोटा से है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं दे रहा है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको वह जो है कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC के लगता है, जो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं लगता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं दे रहा है। दोस्तों पेज जो है आगे खुल रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल, उसके बाद दोस्तों हमें जो इस ओके बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो है फॉर्म पूरी तरह से फिल होगा। दोस्तों पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म फिल, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद दोस्तों चूज प्रिफ्रेंस दे रहा है दोस्तों। तो इस बार दोस्तों आपको जो है मैक्सिमम अलाउड जो है 20 दिया है। नंबर ऑफ फीस रिसेप्शन 1 पेड एंड टोटल एलिजिबिलिटी 5 यूज दोस्तों ऑप्शन जो है अगर 5 अवेलेबल जो है, अभी जो है आपके पास जो है 5 ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप और भी अधिक करना चाहते हैं तो इस पर दोस्तों आपको मैक्सिमम अलाउड ऑप्शन 20 और नंबर ऑफ रिसेप्शन जो है आपको जो है पैसा पेड हुआ एक ही बार, आप टोटल एलिजिबल ऑप्शन 5 यूज जो ऑप्शन 0 और जो है अवेलेबल ऑप्शन 5। तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो है डिवीजन सेलेक्ट करना है। और दोस्तों पहला ऑप्शन है, उसके बाद दोस्तों पोस्ट दूसरा ऑप्शन है, तीसरा और चौथा अगर किसी पर दोस्तों पाँचवा जो है नीचे दिया है। इस पर दोस्तों हम लोग जो है अपना जो है सर्कल जो है चुन लेते हैं, चूज प्रेफरेंस को। इसी प्रकार दोस्तों अपना जो है सभी डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेना है, पहला दूसरा जो है आपको कम से कम एक जो है डिवीज़न पहला को जो है ज़रूर सिलेक्ट करने के, क्योंकि उसमें स्टार लगा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों अपना जो है सिलेक्ट डिवीज़न करने के बाद जो है सेव एंड प्रिंट पर जो है हमें क्लिक कर देना ताकि पेज जो है आगे खुल सके। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, हमारा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों हमें इस पर ओके पर क्लिक कर देना है ताकि पेज जो है और भी आगे खुल सके। इसी प्रकार दोस्तों हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है, लास्ट तक पूरे दोस्तों पूरे फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों अपना जो है पर्सनल डिटेल इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अपना जो है फॉर्म को जो है प्रिंट कर लेना है। और दोस्तों आपका जो है फॉर्म अप्लाइड हो गया है, तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं, इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू नो ऑफ दिस स्टेटस, अपना फॉर्म स्टेटस यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से तो हमारे वीडियो जो है आपको पूरा फॉर्म फिल करके बताया स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इस वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताएं। इस प्रकार दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके जो है आगे देख सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके।